हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर नए वीडियो के साथ और नए सॉफ्टवेयर के साथ आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। तो फ्रेंड्स, आप इस सॉफ्टवेयर में आसानी से अपने स्टॉक का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप स्टॉक देख सकते हैं। प्लस आप इसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, स्टेटस, स्टॉक, एवरीथिंग इसके अंदर मौजूद है। आप लाइक इसको टेली, जैसे आप बिजनेस के लिए टेली यूज़ करते हैं, तो टेली के अंदर रहता है कि आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए या वो आपका सीखा हुआ होना चाहिए। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये टेली के इक्वली काम करता है, लेकिन इसको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट आप एंट्री डालिए और आउटपुट ऑटोमेटिक इसमें आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये अपना सॉफ्टवेयर ओपन हुआ हुआ है। इसमें ये देखिए परचेज बुक खुली हुई है। आपको ऊपर हर तरीके का आइकन दिखेगा, जैसे ऐड आइटम, इसमें आप ऐड आइटम के नाम कर सकते हैं, सेल बुक, सेल बुक में सेल की एंट्री कर सकते हैं, कैश बुक में कैश से रिलेटेड एंट्री कर सकते हैं, स्टॉक बुक में आप अपना स्टॉक देख सकते हैं, ऑटोमेटिक इसमें स्टॉक शो करेगा। पार्टी स्टेटस में आपको जितनी पार्टी पैसे लेना है या जिन पार्टी को पैसा देना है वो सब इसमें ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, आप कभी भी स्टेटस देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको शो करेगा कि आपने कितना कमाया है या कितना खोया है। एक्सपेंस बुक, एक्सपेंस बुक में आप अपने ऑफिस से या आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपन ऐड आइटम देख लेते हैं। ये ऐड आइटम पे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने तीन सीटें आ जाएंगी। सबसे पहली जो सीट है वो आइटम नेम है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे मैंने ये आइटम क्रिएट की ली है, जैसे मान लो आपका गारमेंट्स का बिजनेस है और मैंने ये आइटम क्रिएट की है, जैसे जीन्स 32 इंच 1500 रुपये ब्लू, तो क्या है सेम जो आइटम रहता है उसको आपको अलग करना ही है। जैसे जीन्स 32 इंच है, जीन्स 32 इंच है, तो मैंने इनकी रेट अलग कर दी, जैसे 1500 वाला है, 800 वाला है। फिर भी अगर सेम हो तो मैंने कलर चेंज कर दिया कि एक का ब्लू कलर है, एक का ब्लैक कलर है। तो आइटम जब आप क्रिएट करें तो उसको सेम नहीं करें, उसको किसी न किसी तरह, जैसे आप साइज से अलग कर सकते हैं, कलर से अलग कर सकते हैं, उसकी प्राइस से अलग कर सकते हैं, तो उनको आपको अलग करना है, आइटम सेम क्रिएट नहीं करना है। उसके बाद में दूसरी लिस्ट है वेंडर्स लिस्ट, मतलब आप किन से अपना माल परचेज करेंगे उनकी पूरी लिस्ट आप बना के एक बार इसमें डाल देंगे। उसके बाद में है सेल पार्टी, सेल पार्टी आप पहले, सेल पार्टी में मैंने सबसे पहले जैसे कैश डाला हुआ, कैश का मतलब अगर आप सेल कर रहे हैं ऐसे किसी पार्टी का नाम नहीं डालना चाहते तो आप उसको कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आप ऐसी पार्टीज है जिनको आपका उधार चलता है कि वो पेमेंट बाद में देती है या उनका कुछ होता है, तो उन पार्टियों में आप लिस्ट बना लीजिए। तो यहाँ तक आपका क्लिक हो गया। उसके बाद में देखिए परचेज बुक है, अगर आपको परचेज की एंट्री करनी है तो परचेज बुक पर क्लिक करिए, तो परचेज बुक जो ओपन हो जाएगी। मैंने एक एंट्री इसमें की है तो मैं आपको एक एंट्री और करके दिखा देता हूँ। जैसे ये डेट आप डाल ही लेंगे, एंट्री आपको आइटम कोड से करनी है, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, आइटम में आपको हर आइटम का कोड देना है, जैसे मैंने कोड दे रखे हैं, तो आइटम को कोड देना है आपको और एंट्री आप आइटम कोड से ही करेंगे। तो जैसे अगर मैं 1003 डाल देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक बता देगा जीन्स 34 इंची 1800 रुपये वाली ब्लू कलर की, ठीक है। अगर मुझे आइटम कोड किसी का शुरुआत में आपको ये दिक्कत आएगी कि आइटम कोड आपको याद नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने 32 इंच का दे रखा है 1002, 34 इंच 800 ब्लू का दे रखा है 1003, ठीक है। स्केप दवाई अब मैं जो यहाँ 1003, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपको कोड याद नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने क्या कोड दिए हुए हैं, उसके बाद में तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में फ्रॉम पार्टी, फ्रॉम पार्टी में आपको वही पार्टीज दिखाएगा ये जिन पार्टियों को आपने वेंडर लिस्ट में डाला है, यानी जिस पार्टी से आप माल खरीद सकते हैं। सेल वाली पार्टी की लिस्ट आपको यहाँ नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने जय शॉप से ही माल खरीदा है कुछ, और इसका बिल नंबर मैंने डाल दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने ये आइटम यहाँ डाला तो मुझे यहाँ इसका स्टॉक शो कर देगा कि देखिए 50 मेरे पास इसका स्टॉक पड़ा हुआ है, और अगर मैंने समझो 20 और परचेज कर ली
तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। यहाँ से आप देखिए, अगर आपको स्टॉक देखना है तो यहाँ शो कर देगा, बाकी सब खाली है। ओपनिंग स्टॉक ये मैंने डाला है, अगर आप डालना चाहें इतने आइटम आपने क्रिएट किए हुए हैं आइटम लिस्ट में, उनका अगर आप ओपनिंग स्टॉक डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दो आइटम परचेज किए हैं वो यहाँ शो कर रहा है, एक सेल किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ मुझे बैलेंस क्वांटिटी शो करेगी हर आइटम की कि मेरे पास कितना पड़ा हुआ है। यहाँ आपको आपके स्टॉक की वैल्यू भी शो करेगी, ठीक है। उसके अलावा कैशबुक के अंदर आपको देखिए, मैंने एंट्री की हुई है, जिस पार्टी से पैसा आया है वो पार्टी एंट्री इधर कर सकते हैं, किस पार्टी को पैसा आपने दिया है उस पार्टी की एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं। तो कैशबुक में आप यहाँ अपना ओपनिंग कैश अगर कुछ डालना चाहिए, जैसे मैंने 5,000 रुपये डाल रखा है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कैश रिसीव डेटर्स, मतलब कि आपने जिनको माल बेचा है उनसे आप कैश रिसीव करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ 5,000 डेट आप डाल ही लेंगे, इसमें यहाँ 5,000 रुपये रिसीव करता हूँ, कौन सी पार्टी, तो आपको यहाँ वही पार्टी दिखाएगा जिसको आपने माल बेचा है, बाकी पार्टी को नहीं दिखाएगा। जिस पार्टी को आपने माल बेचा है ये दिखा रहा है राम ट्रेडिंग, देखिए सेल बुक में जाइए, आपने सिर्फ राम ट्रेडिंग को ही माल बेचा है, अगर आप किसी और को बेचते हैं तो उसकी भी लिस्ट आपको शो करती है। वापस कैशबुक में चलते हैं और यहाँ आप एंट्री कर सकते हैं, जैसे मैंने राम ट्रेडिंग कर दी, उसका बिल रेफरेंस आपको बिल नंबर भी शो करेगा कि कौन से बिल के अगेंस्ट में आप कैश रिसीव करना चाहते हैं, और आप वहाँ कैश की डिटेल डाल सकते हैं। उसी प्रकार कैश पेड डेटर्स क्रेडिटर्स, मतलब आपने जिनसे माल खरीदा है उनको आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ आपको उन्हीं पार्टियों का लिस्ट शो करेगा जिनसे आपने माल खरीदा है, ठीक है। सिर्फ आपने जय शॉप से ही माल खरीदा है, देखिए परचेज बुक में सिर्फ आपने जय शॉप से ही माल खरीदा हुआ है, ठीक है। कैशबुक में चलते हैं और यहाँ आप उसका रेफरेंस डाल दीजिए, आपको उसी का रेफरेंस दिखा देगा, आपने दो बिल के अगेंस्ट माल खरीदा है तो कौन से में आप उसको पेमेंट करना चाहते हैं, तो 1008 मान लीजिए, आपको यहाँ आपकी अवेलेबल कैश दिखा देगा कि आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है। उसके अलावा आप पार्टी स्टेटस देखिए, पार्टी स्टेटस में आपको शो करेगा कि क्रेडिटर्स मतलब किन को पेमेंट करना है, तो जय शॉप का 52,000 का बिल बनता है, 21,000 आपने पेमेंट कर दिया है और 31,000 रुपये बाकी है, तो आपको यहाँ पूरी डिटेल शो कर देगा जितनी आपने एंट्रियाँ की है। उसके अलावा रिसीव पेमेंट आपको यहाँ आपके डेटर्स शो कर देगा किन से आपको पैसा आना बाकी है, तो जैसे राम ट्रेडिंग को आपने 17,000 का माल बेचा है, 15,000 रुपये उसके आ चुके हैं, 2,000 रुपये उसके आने बाकी है। तो ये तो आपने एक एंट्री की, अगर आप 20-25 एंट्री करेंगे तो आपको सभी का एक साथ शो करेगा, तो आपको ये चीज़ नोट करने की जरूरत, मतलब डायरेक्ट नोट कर सकते हैं किन पार्टी को पैसा देना है, कितना देना है, और किस पार्टी से पैसा लेना है, कितना लेना है। और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, जितना माल आपने बेचा है उस माल का पूरा हिसाब किताब यहाँ शो कर देगा, 1008 का जींस इतना बेचा है, 20 बेचा है, और आपने ख़रीदा इतने में था, बेचा इतने में, 1,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में जो आपका लास्ट जो है वो है एक्सपेंस बुक, तो एक्सपेंस बुक के बारे में ये है एक्सपेंस बुक, इसमें आप डेट डाल सकते हैं। एक्सपेंस बुक का मतलब ये कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, या डिटेल उसकी डाल सकते हैं, या आपको आपकी कैश शो कर देगी कि आपके पास कितना कैश है, ठीक है। कैश बुक में चलते हैं फ्रेंड्स, आपको मोस्टली सिर्फ 3 ही शीट में एंट्री करनी है, परचेज बुक जब आप माल परचेज करेंगे, सेल बुक जब आप माल सेल करेंगे, उसके बाद में कैश बुक ये है ये ओपन, तो कैश बुक में किससे पैसा ले लिया है आपने, किसको पैसा दे रहे हैं वो। उसके अलावा जितनी भी बुकें हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेंगी, जैसे स्टॉक बुक ऑटोमेटिक शो कर देगा आपको, आप परचेज करेंगे तो परचेज, सेल करेंगे तो सेल, और उसके बाद में स्टेटस पार्टियों का स्टेटस भी अपने आप शो करता रहेगा, किस पार्टी का कितना बिल है, कितना आपने पे कर दिया, कितना उसका पेंडिंग है, किस पार्टी से कितना लेना है, कितना देना है।
उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस आप अपना देख सकते हैं कि कितना आप पैसा कमाए हैं, कितना आपने खोए हैं। एक्सपेंस बुक है, यहाँ आप अपना एक्सपेंस जो भी है वो डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें ध्यान यही रखना है कि जब आप आइटम क्रिएट करें तो सेम आइटम नहीं करें। अगर आप आइटम सेम भी है तो उसकी प्राइस लिख दें ताकि अलग हो जाए, अगर प्राइस भी सेम है तो उसका कलर अलग लिख दें। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी चीज़ इसमें है कि जब भी आप माल परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको उसी समय आपको स्टॉक शो कर देता है उसी एंट्री का कि ये माल आपके पास इतना पड़ा हुआ है। जैसे मैं आपको एक एंट्री और करके दिखा देता हूँ, परचेज में 1004 जीन्स और वेंडर्स उस भी सिलेक्ट कर लिए आपने। ठीक है, तो मुझे यहाँ शो कर रहा है कि मेरे पास 25 पड़ी हुई है अभी तक। ठीक है, अगर आप सेल भी कर देंगे तो भी यहाँ घट के शो आपको करेगी। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम शो करेगा जब आप एंट्री करेंगे। तो इसमें भी क्या है, कुछ अगर गड़बड़ हो तो आपको पता चल जाता है कि आपने उस डेट को एंट्री की थी। जैसे आप यहाँ तो मैनुअली कोई भी डेट डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो वही डेट आएगी जिस टाइम आप एंट्री कर रहे हैं, जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं। और आप एंट्री बड़ी फास्टली कर सकते हैं, यहाँ सभी चीज़ों के आइकन दिए हुए हैं, सेल बुक, परचेज बुक, कैश बुक, तो आप क्लिक करके यहाँ पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कोई इसमें रिक्वायरमेंट हो, आपको एडिशनल कुछ इसमें ऐड करवाना हो तो वो मैं इसमें कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने हर एक चीज़ इंक्लूड की है और वीडियो में हर एक चीज़ समझा नहीं सकता। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इसमें समझा दी है, और बाकी भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फीचर्स हैं जो आप जब आप यूज़ करेंगे तो आपको मालूम होगा, क्योंकि उनको डिटेल में समझाना थोड़ा मुश्किल है। और मोस्टली हर एक चीज़ इसमें फीचर जो टैली में होता है वो सब चीज़ इसमें है, तो और आप इसमें एंट्री भी आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो वीडियो के एंड में मैं अपना मेल आईडी दूंगा, आप मेल के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ये सॉफ्टवेयर आपको ईजिली मेल के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेल के थ्रू इसको डाउनलोड करके डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इन फ्यूचर क्या है कि मैं तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स के डेमो वीडियोस में डालने वाला हूँ, और बहुत सी एक्सेल की ट्रिक्स जो एक्सेल यूज़र्स हैं उनके लिए मैं एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज और एक्सेल की कुछ सीटें बना के उनके वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो वो वीडियो आप तक तभी पहुँचेंगे जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सॉफ्टवेयर अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इसमें कमी लगे या कुछ आपको इसमें ऐड करवाना है तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं और मैं आपको उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।